बॉलिंग। आईपीएल पार्ट टू चल रहा है और आपको जल्द ही एक ऐसा खिलाड़ी एक्शन में दिखाई देगा जो हमेशा एक्शन में रहने पर लोग देखना पसंद करते हैं। सीधे बात करते हैं शीशांत से। शीशांत, आज हमने आपको प्रैक्टिस करते हुए देखा, कब आप एक्शन में दिखाई देंगे? शायद अगले मैच, पता नहीं, डिपेंड्स ऑन द टीम कॉम्बिनेशन एज वेल। तो कोशिश तो यही है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खेले, क्योंकि टीम अच्छा कर रहे हैं तो उनकी एक हिस्सा बनने की कोशिश करूँगा। सुना है कि आप इस समय जिम में भी काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली 6 महीने बोला था कि आप खेल नहीं पाओगे, और भगवान की शुक्र है अभी 7 हफ्ते के बाद बॉलिंग शुरू कर रहा हूँ। और जतिन चौधरी जो दिल्ली के पता नहीं क्या चमत्कार किया, जतिन भाई को भी मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि उसके बाद बहुत जल्दी हील हो गया था। और अभी फ़िलहाल बॉलिंग शुरू किया है और अच्छा जा रहा है, और आज थोड़ा तेज भी डाल सका। तो कोशिश है कि धीरे धीरे चले, और जो भी टीम मैनेजर मेरे को मौका देगा उसकी पूरा इस्तेमाल करूँगा। कुछ शेड्यूल बता सकेंगे कितने घंटे के समय आप जिम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्राउंड पर नेट प्रैक्टिस? आज आपको हमने बॉलिंग करते हुए भी देखा था, वो उस तरह की कितनी देर की प्रैक्टिस? बहुत कुछ थे, पिछले 3-4 महीने से, 3 महीने सिडनी में था, और जिधर इधर आने से पहले जब सिडनी में तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि 6:30 बजे से यू नो वी हैड सी रनिंग एंड बीच रनिंग बेसिकली, एंड उसके बाद स्विमिंग भी थे, उसके बाद बॉलिंग तो अभी शुरू आया। तो अभी फ़िलहाल बीच रनिंग, जिम, और फिलहाल शायद 8-9 घंटे रोज़, और वही सब जब सारे लोग पार्टी कर रहे थे, और जैसे मैं पार्टी करना बहुत एंजॉय करता हूँ, मगर इस टूर में तो सिवाय एक पार्टी किया है, और उसके बाद जब लोग पार्टी कर रहे थे और जश्न मना रहे थे, मैं तो जिम में था और स्विमिंग पूल में था, क्योंकि 10:30 से 12 बजे तक ट्रेनिंग करना पड़ता था, क्योंकि मेरे को बोला गया था कि 6 महीने लगेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिट हो, क्योंकि इंस्टेड ऑफ डूइंग 1 session per day, I'm trying to doing 4 sessions per day, तो बहुत help कर रहा है। IPL ने बहुत सारे unknown players को well known बना दिया है, लेकिन आपके लिए ये एक ऐसे test की तरह रहेगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप international cricket से दूर हैं, तो एक तरह से आपकी वापसी का रास्ता यहीं से बनेगा? पता नहीं, वो तो फिलहाल उसके बारे में मैं सोच ही नहीं रहा, क्योंकि 6 महीने मैंने सोचा भी नहीं था कि क्रिकेट खेलने वाला हूँ मैं, रणजी ट्रॉफी ऐसे सोच रहे थे। अभी फिलहाल गोल चेंज करना पड़ेगा, अभी अच्छा ठीक हुआ। और मैं ज़्यादा बोल नहीं चाहता, क्योंकि आई विल टेक इट स्टेप बाई स्टेप, लेट मी प्ले गेम। एंड अभी एक प्रैक्टिस मैच खेला, 4 विकेट मिला उसको, मगर फिर भी IPL एक मैच हुआ, तो इससे अच्छा एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि इंजरी के बाद पूरे इंटरनेशनल मैच जैसा एक माहौल मिल रहा है, और पूरी सपोर्ट और पूरी टीम की सपोर्ट, और किंग्स इलेवन पंजाब भी बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करूँगा कि अगले मैच डर्बन में शुरू किया, क्योंकि डर्बन मेरा वन ऑफ द फेवरेट ग्राउंड एज वेल। तो पिछले साल वर्ल्ड कप 2 साल पहले मेरा लास्ट मैच जो डर्बन में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था, और उधर अच्छा बॉलिंग कर चुका था, और कोशिश करूँगा कि वही फॉर्म आफ्टर 2 ईयर्स ऑल्सो आई कीप कंटिन्यू। लास्ट 2 क्वेश्चन, कहीं ना कहीं अफसोस रहेगा क्योंकि अब वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन होने वाला है, प्रोवेबल्स में आप नहीं, अफसोस? नहीं, अफसोस नहीं, अब अफसोस पहले था, क्योंकि जब इंजर्ड हुआ था ऐसा लगा था कि ओ यार पिछले वर्ल्ड कप में तो खेला, मगर इस वर्ल्ड कप में मिस हुआ, क्योंकि और मैं रियलिस्टिक गोल रखता हूँ, क्योंकि मेरा स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था, और अभी फिलहाल ठीक हुआ। तो पता नहीं, अभी तो चेंज नहीं कर सकता, मगर कोशिश करूँगा कि इस टूर्नामेंट में अच्छा करें और अपनी टीम को जिताएं। आप शायराना अंदाज में ज़िंदगी जीने के लिए जाने जाते हैं, शायराना बहुत चीज़ें बोलते हैं, अपनी वापसी को किस शायरी के साथ कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो हमेशा वही बोलता हूँ, मेरा हमेशा मैं एक ही शायरी को फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ में, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो मैं वही बार बार, वही गाना भी है जगजीत सिंह का, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जगजीत सिंह जी, और वही गाना सुनता रहता हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि हीलिंग बहुत जल्दी हुआ, और जल्दबाजी ना करें, और 4 ओवर ही तो डालना है, आप सबकी दुआ है, तो कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके वापस आए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं इस बार ये सिर्फ शायरी बनकर ना रह जाए, बल्कि एक हकीकत में तब्दील हो, और आप ग्राउंड के बाहर बैठकर जो मैदान से बाहर बैठकर तजुर्बा हासिल करें वो मैदान के अंदर आकर लें। कैमरा पर्सन CV सुदर्शन के साथ पुष्पेंद्र सिंह, न्यूज़ 24।